शुभोदय बच्चों, कल हमने क्या सीखा है? व्याकरण, यह वह के वाक्य के व्याकरण सीखे हैं ना। आज हम ये और वे के व्याकरण सीखेंगे। ओके, राइट हैंड मींस व्याकरण, वादित्व अक्षर या को आ की मात्रा व्या क र न, व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर। कल हमने यह वह, यह मीन्स दिस, वह मीन्स दैट, यह वह के व्याकरण सीखे थे। डिड यू प्रैक्टिस दैट? ओके, नाउ हम ये और वे के व्याकरण सीखेंगे। ये मीन्स, ये को क्या कहते हैं, ये का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए। ए मीन्स दीज, टी एच ई एस ई दीज, ए मीन्स दीज, या को ए की मात्रा ये मीन्स दीज। वे, वाकु ए की मात्रा वे, वे का मतलब क्या है, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वे मीन्स दोज, टी एच ओ एस ई दोज, वे मीन्स दोज, मोर देन वन, ये मीन्स दीज मोर देन वन। ओके, व्हाट वी हैव लर्न यस्टरडे अबाउट यह मीन्स क्या, मीन्स दिस वी हैव लर्न, अब वह मीन्स दैट, ये का मतलब क्या है, दीज मोर देन वन, हाउ मेनी चॉक पीसेस आई हैव हियर, मोर देन वन, दीज ओनली वन मीन्स दिस, राइट, ये मीन्स दीज, यह मीन्स दिस, वे मीन्स दोज विच कैन नॉट बी गेट टच विथ योर हैंड, विच इज फार अवे फ्रॉम अस, मोर देन वन, देर आर थ्री वर्ड्स, मोर देन वन मीन्स दोज, वे मीन्स दोज, टी एच ओ एस ई दोज, वह मीन्स दैट, ओनली वन, वे मीन्स दोज, मोर देन वन। ओके, टेल मी चिल्ड्रन, यह और वह फॉलो बाय व्हाट इट विल एंड विद, हाय, it will end with high. High means ease. High means ease. And ye aur ve will end with, land with, yes, ha ko I ki matra high, I ko bindi high, ha ko I ki matra high, ha ko bindi high. High means are, ye are, are is प्लूरल चिल्ड्रन, यह वह दिस दैट इज सिंगल, फॉर सिंगुलर सेंटेंसेस ओनली फॉर वन वी विल यूज यह वह और हाय, फॉर प्लूरल सेंटेंसेस ये वे विल बी यूज, ये वे मीन्स दिस दोस विल एंड विथ हाय, हाय को बिंदी हाय, हाय को आई की मात्रा हाय, हाय को बिंदी हाय, हाय मीन्स आर, here we didn't put dot, here we will put dot, this is a difference between high and fine. Okay, now I will write again some sentences in English and then we translate into Hindi. What we will learn today, we learn about these, those sentences into Hindi. We translate into these, those sentences into Hindi. Okay, children? See here, children, I have written some sentences in English. We will translate into Hindi now. Okay? See, first one. These are apples. These are apples. These means what I have said. These means ye. These means A, right?
ये इन द प्लेस ऑफ दीज. ओके दीज आर एपल्स. एपल्स एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेब. एप्पल को हिंदी में सेब कहते हैं. और एप्पल्स मीन्स व्हाट इज द प्लूरल? व्हाट इज द प्लूरल? इसका बहुवचन क्या है? सेब का बहुवचन सेब ही है. सेब का बहुवचन सेब ही है. ये सेब सबको एक ही बात है. सेब बा सेब. आर आर को हिंदी में क्या कहते हैं? आर को हिंदी में हाई लिखकर हाई लिखकर बिंदी हाई आर. ये आर ई आर हाई मीन्स आर. ये सेब है. आपको आई की मात्रा है. हाई को बिंदी हाई और फुल स्टॉप लाइक दिस. ओके नाउ सी सेकंड वन. दोज आर बनानास. दोज आर बनानास. दोज मीन्स वे विच इज फॉर अवे फ्रॉम अस. इफ सम थिंग्स आर फॉर अवे फ्रॉम अस देन वी विल से वे क्या है? वे आम है. वे बना वे केले है. लाइक दैट दोज द हियर बनानास आर फॉर अवे फ्रॉम अस. व्हाट वी विल से वे बनाना मीन्स केला. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ केला? केले. केला का बहुवचन केले है. वे वे केले केले. हाकु आई की मात्रा है. हाई की बिंदी हाइम. आर मीन्स हाइम. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट फुल स्टॉप. ओके दीज आर कैट्स. सी थर्ड वन. दीज आर कैट्स. ये क्या है? बिल्लिया. ओनली वन मीन्स कैट. मोर देन वन ईयर ऑफ दे मीन्स कैट्स. कैट्स मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्लिया. बिल्लिया. दीज को हिंदी में क्या कहते हैं? ये राइट या बिल्लिया. ये छोटी की मात्रा भी लादी को अक्षर. ला छोटी की मात्रा ली बिल्ली. या कुआ की मात्रा या चंद्र बिंदु या बिल्लिया. ये बिल्लिया हाय. हाँ कुआ की मात्रा हाय. हाई को बिंदी हाय. बा छोटी की मात्रा भी लादित अक्षर. ला छोटी की मात्रा ली बिल्ली. या कुआ की मात्रा या चंद्र बिंदु या बिल्लिया. ये बिल्लिया है. ओके दोज आर ऑरेंजेस. दोज मोर देन वन means two are there. What we call them? Those are oranges. If oranges are near to us, we will call as these are oranges. They are far away from us, so we tell those are oranges. Those को हिंदी में क्या कहते हैं? Yes, वे. वे oranges को हिंदी में संतरा कहते हैं. संतरा. We have learned. Yes, no children. We have learned fruits names. Orange means संतरा. मोर देन वन एक से अधिक हो तो संतरा का बहुवचन क्या है? संतरे. वे संतरे है. संत राखो है की मात्रा रे. वे संतरे. आर को क्या कहते हैं? हाय. हाय को बिंदी. हा को आई की मात्रा हाय. हा को बिंदी हाय. और एंड में फुल स्टॉप. ओके तो से फिफ्थ वन. दोज आर बैट्स which are away from us means those. See here children, I write here two times because you will understand. Okay, those are bad. Those means which are away from us. Those ko kya karte hai? Those means way. First may you practice this. Ye means these, way means those. Aur bah means that, yah means this. Practice this four, okay? फॉरवर्ड्स. डोर मीन्स वे. वे बैट्स. बैट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बल्ला. इन बिफोर क्लास वी हैव लर्न बैट को हिंदी में बल्ला कहते हैं. और मोर देन वन एक से अधिक हो तो बल्ले. वे बल्ले है. बालिकर लालिक अक्षर. लाखो एक की मात्रा ले बल्ले. आपको एक की मात्रा हाय. हाय को हिंदी हाय. और फुल स्टॉप. All sentences are same. Just you have to understand the sentence is the sentence or those sentence or yah sentence or bah sentence and see here or under singular sentence is that will change. Okay.
These are flower pots. These are flower pots. Here, flower pots are near to us. Flower pot means gamle. Flower pot means gamla. What is the plural of that? Gamle. Gamla, gamle. These means ye. आपको ए की मात्रा ये. फ्लावर पॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? गमला. और एक से दो अधिक हो तो उसका बहुवचन क्या है? गमले. ये गमले है. गमा लाखो ए की मात्रा ले. गमले गमले आपको ए की मात्रा है. आई गुड दी मैन और फुल स्टॉप. ओके चिल्ड्रन, नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट ये और वे सेंटेंसेस. ओके वंस अगेन आई विल टेल लिसन चिल्ड्रन. These are apples. Here apples are near to us. More than one means these. Only one is there means this. But here more than one are there. So these. Ye sab hai. Okay. Those are bananas. Which is far away to us. Those are bananas. While you are writing, keep gap. Okay. Keep three fingers gap and draw a picture. Okay. Don't forget to draw a picture. Okay. वे केले है. दोज मीन्स वे. वे केले है. बनाना मीन्स केला. केले. ओनली वन मीन्स बनाना. मोर देन वन. मोर देन वन बनाना. उसी तरह ओनली वन. सिर्फ एक बनाना को केला कहते हैं और मोर को केले कहते हैं. ओके दीज आर कैट्स. कैट्स आर नियर टू अस. ये बिल्लियां है. प्रैक्टिस दिस वर्ड. ओके प्रैक्टिस दिस स्पेलिंग. ये बिल्लियां है. दोज आर ऑरेंजेस व्हिच आर फॉर अवे टू अस. वे संतरे है. दोज आर बैट्स अगेन दैट आर फॉर अवे टू अस. वे बल्ले है. प्रैक्टिस दिस वर्ड आल्सो. ओके दीज आर फ्लावर पॉट्स. फ्लावर पॉट्स को हिंदी में गमला कहते हैं. एक से अधिक को गमले. ये गमले है. ओके प्रैक्टिस वर्ड्स. ओके ये गमले है. ओके चिल्ड्रन राइट नीटली. ओके राइट नीटली विथ नीट हैंड राइटिंग. ओके चिल्ड्रन थैंक यू.